हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कैसे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन करते हैं, जिसमें कुछ चीजें जो है वो बाकी रह गई थी। तो आज फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पढ़ा था आप लोगों ने क्या चीज की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या इसी को एक और तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मास परसेंट निकालने के लिए और वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए। इसके साथ साथ हमने कुछ और टर्म बताए थे जिसके द्वारा कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर कैपिटल एम, कैपिटल एम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू हो जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर मान लो कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो ml में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू कितना 1000, कितना हो जाएगा ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहते हैं। अगर मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 liter सॉल्यूशन में देखे जाते हैं, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा 1 liter। अगर 1 liter वॉल्यूम का सॉल्यूशन है तो उसमें कितने मोल्स घुले हुए हैं वही उसकी मोलैरिटी कहलाती है। जैसे अगर मान लें कि हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया और सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम घोल दिया, मान लो कि हम लोग सोडियम क्लोराइड को उसके मोलर मास के बराबर घोल देते हैं, 23 + 35.5 = कितना हो गया 58.5 ग्राम। अगर 58
0.5 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या करें, NaCl के मोल्स निकालें। तो नंबर ऑफ मोल्स, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू क्या चीज कि वेट या मास ऑफ NaCl अपॉन कितना मोलर मास ऑफ NaCl। तो वेट कितना है 23.5 अपॉन 23.5 दैट इज इक्वल टू कितना 1, यानी 1 मोल सॉल्यूशन। अब अगर 1 मोल जो है वो कितने में उपस्थित है, 1 मोल जो है वो 1 लीटर में है, तो ये 1m सॉल्यूशन होगा, यानी इसकी जो मोलैरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1m हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग मोलैरिटी सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग मोलैरिटी। बिटा ले, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी किसे कहते हैं सॉल्यूशन की। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे क्या था, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। इसी को क्या कहेंगे, मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो मोलैरिटी यानी स्मॉल m दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें किलोग्राम में। अगर मान लो कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू कितना हो जाएगा, 1000 इनटू कितना, 1000। तो ये भी एक मोड है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। अब आती है बात मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये क्या है। तो मोल फ्रैक्शन जो है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all component in a solution. It is the ratio of moles of any one component with the total number of moles of all component in a solution. तो अभी मान लो कि एक solution है हमारे पास AB,
लेट ए सॉल्यूशन ए बी, मान लो ए बी एक सॉल्यूशन है जिसमें बी क्या है सॉल्यूट है और ए क्या है सॉल्वेंट। तो अभी मान लेते हैं कि मोल्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एन ए और मोल्स ऑफ बी दैट इज इक्वल टू कितना एन बी। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कितने मोल्स होंगे एन ए और एन बी। अब अगर हम निकालें क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ए, तो एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इसको लिखेंगे किससे एक्स बी से, दैट इज इक्वल टू कितना एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये हमेशा याद रखना कि एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू वन होता है, एक्स ए और एक्स बी। यानी किसी भी सोल्यूशन के अंदर चाहे जितने कंपोनेंट्स मिले हुए हो उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम जो है वो वन होता है, चाहे जितने भी कंपोनेंट्स मिले हो, तीन कंपोनेंट्स हो चार कंपोनेंट्स हो इस बात को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन सभी कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो इक्वल टू कितना होगा वन के इक्वल होगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग एक और नई चीज पढ़ेंगे, क्या चीज कि सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो हम लोग आज देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो बताते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, a solution in which more quantity of solute, in which more quantity of solute can be dissolved without rise its temperature. A solution in which more quantity of solute can be dissolved without rise its temperature is called, sorry यहाँ पे एक चीज हो गया, saturated solutions करना था ना, तो in which more quantity of solute can be dissolved without rise in temperature is called, तो ये unsaturated solution होगा, सैचुरेटेड नहीं होगा, तो यहां पे अन लिख ले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन व्हिच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट राइज इट्स टेंपरेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, a solution in which no more solute can be dissolved at that temperature is called saturated solution. सोल्यूशन, ऐसे solutions जिसमें हम ज्यादा solute नहीं dissolve कर सकते हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए, यानी किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर केवल लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद और ज्यादा हम लोग सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर बिना टेम्परेचर बढ़ाए और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल देख लें, अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो मिक्सचर ऑफ 32 ग्राम या ए मैक्सिमम 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर at a temperature of 20 degree Celsius. तो saturated solutions जो potassium nitrate का है वो कितना होगा कि 20 degree Celsius पर 32 ग्राम, यानी 20 degree Celsius पर 100 ग्राम water में हम केवल 32 ग्राम जो है वो potassium nitrate घोल सकते हैं, इससे ज्यादा potassium nitrate नहीं घुलेगा, और नहीं घुलता है अगर तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। लेकिन अगर और पोटेशियम नाइट्रेट घुले तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जो एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में केवल फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व होंगे, उससे ज्यादा हम घोल नहीं सकते। लेकिन अगर उससे ज्यादा हम घोल सकते हैं तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। अब आइए, हीटिंग और कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर? तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग on a saturated solution. तो ध्यान रखना, किसी भी saturated solutions को अगर heat करते हैं तो वो unsaturated बन जाता है। On heating a saturated solution, becomes unsaturated. गर्म करने पर कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा बन जाएगा, अनसैचुरेटेड बन जाएगा। गर्म करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, अनसैचुरेटेड बन जाता है। और ऑन कूलिंग, अगर इसको हम लोग ठंडा करें तो ऑन कूलिंग द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन becomes saturated. ठंडा करने पर जो unsaturated solution होता है वो कैसा हो जाएगा, saturated हो जाता है। यानी किसी भी saturated solutions को अगर ठंडा करे तो उसके अंदर crystallization होना शुरू हो जाता है, यानी जो solute उसके अंदर मिले हुए हैं वो crystals के रूप में बाहर आने लगते हैं। तो अभी
अगर हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को कूल करते हैं तो अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को कूल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो सॉल्यूशंस जो होगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को अगर कूल करते हैं तो उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। लेकिन अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हीट करें तो ऐसे में वो सॉल्यूशंस जो है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, क्योंकि हीट करने पर उसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उनके बीच में जो जगह होती है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वो स्पेस बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर घोले जा सकते हैं, तो और ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए अगर हम कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे, तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 100 ml सॉल्वेंट लेते हैं, कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमने क्या लिया, वाटर लिया, तो 100 ml वाटर ले लेते हैं और 100 ml वाटर का टेम्परेचर फिक्स करते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर पर देख रहे हैं तो रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पर अब अगर 100 ml वाटर में आप कोई भी चीज डिसॉल्व करना शुरू करो तो देखेंगे कि कितना ज्यादा से ज्यादा उसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो जितना डिसॉल्व हो जाए, चाहे जितना भी, वही उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर अभी हम लोग बात किए हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, तो पोटेशियम नाइट्रेट ही जो है वो 32 ग्राम डिसॉल्व होता है, लेकिन 32 ग्राम से ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हम डाल भी देंगे तो वो घुलेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा उसी के अंदर क्रिस्टल के रूप में। तो इस तरह से वो सॉल्यूशन जो होगा वो 32 ग्राम पर ही क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखने की बात ये है कि इस टेम्परेचर को हम लोग घटने या बढ़ने नहीं देते हैं, यानी टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। अगर टेम्परेचर फिक्स रहेगा तभी ये चीज हो पाएगी, अदरवाइज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो द solubility of the substances will also increase. जो substance है उसकी solubility भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर solubility बढ़ गई तो वो solutions जो है वो saturated ना हो करके बल्कि कैसा हो जाएगा, unsaturated हो जाएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग एक नई चीज देखेंगे जिसको कहते हैं solubility। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, यानी किसी भी सब्सटेंस की जो घुलने की क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व in 100 gram of solvent at a specified temperature. At a specified temperature, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute. Of that solute in the solvent at that temperature. ठीक है, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute in the solvent at that temperature. इसमें भी दोनों चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीज, वह टेम्परेचर जिसपे किसी भी पदार्थ को घोला जा रहा है, यानी द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस इज डिसॉल्व, ऑलवेज रिमेंबर दैट टेम्परेचर मस्ट बी फिक्स।
अगर इस टेम्परेचर को आप घटाओगे बढ़ाओगे तो पदार्थ जो घुल रहा है, जो मटेरियल डिसॉल्व हो रहा है, उस डिसॉल्व मटेरियल का अमाउंट जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। तो जैसे मैक्सिमम 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो सोलबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 32 ग्राम। अगर पोटेशियम नाइट्रेट की सोलबिलिटी हमें डिक्लेयर करनी है तो हम क्या लिखेंगे कि सोलबिलिटी जो पोटेशियम नाइट्रेट की है 20 डिग्री सेल्सियस पर वो कितनी है 32 ग्राम है। बात समझ में आ रही है, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। तो ए मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि द सोलबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 36 ग्राम। यानी जो सोडियम क्लोराइड की सोलबिलिटी है 20 डिग्री सेल्सियस पर ये 36 ग्राम है। कितनी है 36 ग्राम। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस की सोलबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे या सोलबिलिटी के बारे में लिखेंगे तो वो टेम्परेचर जरूर लिखेंगे जिस टेम्परेचर पर हम उसकी सोलबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो इस चीजों को आप याद रखेंगे कि जब भी किसी भी सब्सटेंस की सोलबिलिटी के बारे में बात करना है, उसकी सोलबिलिटी को लिखना है, तो ये देखना है कि कितने टेम्परेचर पर कितने ग्राम जो है वो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किए जा रहे हैं। और ये चीजें जब लिख लेंगे तो हम उसकी सोलबिलिटी को डिफाइन कर पाएंगे। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होता है। तो सोडियम क्लोराइड की जो सोलबिलिटी है वो 36 ग्राम है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व विल आल्सो बी इंक्रीज। तो घुलने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सोलबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए सोलबिलिटी को एक्सप्लेन करते समय हम उसके टेम्परेचर पर जरूर ध्यान रखेंगे कि कितने टेम्परेचर पर वो कितना सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। तो आइए अब एक और चीज हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग जो मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या चीज देखना है, हम लोगों को देखना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है। इन चीजों के बारे में तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, बहुत बार पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं कि दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, वो चेंजेस जिसमें कोई भी नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, ऐसे सभी चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं बनता है आर कॉल्ड फिजिकल चेंज,
आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं. ऐसे सभी चेंजेस जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज. एग्जांपल देख लें, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर पिघला दिया जाए तो क्या बनती है? पानी. और उसको अगर फ्रीज कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आइस. तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है कि नहीं है? अब आओ फ्रीजिंग ऑफ वाटर है कि नहीं है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ, हाँ बॉइलिंग ऑफ वाटर. अगर वाटर को बॉइल करें तो क्या बन जाएगा? वेपर्स बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? वेपर्स. और वेपर्स को अगर कंडेंस कर दे तो फिर से क्या मिल जाएगा हमको? वाटर मिल जाएगा. तो कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है. इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल चेंज चेंज इज रिवर्सेबल, रिवर्सेबल इन नेचर. फिजिकल चेंज जो होता है वो नेचर में कैसा होता है? रिवर्सेबल होता है. यानी फिजिकल चेंज जो है वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस के बाद पुनः अपनी इनिशियल पोजीशन में आ सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसपे हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है. बात समझ में आ रही है ना? तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ये रिवर्स हो जाते हैं, बड़े आसानी से रिवर्स हो जाते हैं. बिजली के बल्ब का जलना बुझना, एक बार आप स्विच ऑन करो जल जाएगा, फिर स्विच ऑफ करो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा. तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, क्योंकि किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और प्रोसेस जो है वो कैसा है? रिवर्सेबल. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज. अब आओ देखते हैं केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होते हैं? तो दोज चेंजेस इन विच, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज, आर कॉल्ड केमिकल चेंज. दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ऐसे सभी चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है इनको केमिकल चेंज कहते हैं. क्या कहते हैं? इनको केमिकल चेंज कहते हैं. जैसे इसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें, कोई भी चीज देख लें. क्या चीज? कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. देखो मैग्नीशियम रिबन जो होगा अगर इसको जला दिया जाए तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है. किस चीज का? मैग्नीशियम ऑक्साइड का. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से पुनः मैग्नीशियम का रिबन नहीं बना सकते हैं. कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को अगर पका दिया गया, जैसे चावल को पका दिया गया, तो पके हुए चावल से पुनः चावल नहीं बनाया जा सकता है. तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है. क्या चीज है? केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन के अंदर रस्ट लग गया तो रस्ट जो होते हैं वो आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं. अगर रस्टिंग हुई आयरन में तो उस रस्ट से पुनः आयरन नहीं बनाया जा सकता है. और सबसे कॉमन एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन गई तो दही से फिर दूध नहीं बनाया जा सकता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंजेस. परमानेंट चेंजेस
केमिकल चेंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं, है ना, एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, इनको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार ये चेंजेस हो जाने के बाद नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं जिनकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं, और उनसे पुनः हम लोग कोई भी उसका जो इनिशियल सब्सटेंस होगा वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई, आप लोग इतनी सारी चीजों को नोट करिएगा और इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में।